हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन को हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। शो दैट, ये शो करिए द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एंगल, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तीन ही एंगल होते हैं और हमें ये प्रूव करना है कि वो तीनों के तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिगर बनी हुई नहीं आई थी, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाना था। वो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी देखिए ड्रॉ कर दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये इक्वल के मार्क लगा दिए हैं और इसके तीनों एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 60 60 के हैं। ये हमें प्रूफ करना है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं लगेगी, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम ये दो साइड्स ले लेते हैं, ए बी और ए सी। ये इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप सीधा लिखिए, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। और आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं यहाँ गिवन में, विथ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए तीनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी में जो जो अल्फाबेट आपको मिसिंग दिख रहा है यानी कि सी, तो वो इसके ऑपोजिट है। ए सी में जो अल्फाबेट आपको मिसिंग नजर आ रहा है तीन में से, तो वही उसके ऑपोजिट है यानी कि एंगल बी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब फिर से हम दो साइड्स ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ए बी और बी सी, ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने एक साइड चेंज कर दी है, पहले हमने ली थी ए बी और ए सी, अब हम ले रहे हैं ए बी और बी सी, ये भी गिवन माना जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, जो अल्फाबेट मिसिंग है यानी कि एंगल सी, और बी सी में ए मिसिंग है तो एंगल ए, और इसको नंबर टू दे दीजिए और सेम रीजन रहेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब तीसरी बात जो हम समझ रहे हैं, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हम सब जानते हैं और हमने लिख दिया कि तीनों का सम 180 है। रीजन देना पड़ेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एंगल ए को एंगल ए ही उतार रही हूँ, ठीक है। और एंगल बी देखिए, अभी हमने दिखाना, पहले हमें यहाँ पे ये दिखा देना चाहिए था कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको मिलेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, पहले छोटी सी एक लाइन ऐड कर देते हैं बीच में। हमने दिखा दिया है कि एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और हम इसके रीजन को यहाँ छोटा सा दे देते हैं या सेम एज अबव भी लिख देते हैं। सेम एज अबव का मतलब है कि यही वाला रीजन आपका यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। और हम यहाँ एक लाइन ऐड कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या पाया है, हम पहले उसको देख लेते हैं। देखिए एंगल ए सी के इक्वल है और सी एंगल बी के इक्वल है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हुए, एंगल ए सी के और सी बी के। तो हमें मिला ये कि वन और टू को कंपेयर करने पे कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो ये लाइन मैंने यहाँ ऐड कर दी है इसको सॉल्व करने से पहले कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं।
और इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर एंगल ए को एंगल ए लिखा, देखिए एंगल बी को आप एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। और सी को भी आप एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो मैंने तीनों को सेम एंगल बना दिया। और ये चेंजेस मैंने करे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को देखते हुए मैंने ये चेंजेस कर दिए कि तीनों एंगल सेम हो गए। इनको जोड़ दीजिए, इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, 1 1 1 थ्री एंगल इज इक्वल टू 180, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड होगा, और इसको कैंसिल कर दिया तो एंगल ए आ गया 60 का और एंगल बी भी 60 का, सी भी 60 का, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो ये तीनों एंगल हमारे 60 60 60 के आ गए। और यही हमें प्रूफ करना था कि आप ये प्रूफ करिए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 60 60 के होते हैं, जो कि हमने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।